उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद बबेरू तहसील का है, जहां पर बबेरू तहसील क्षेत्र में विकास खंड बबेरू एवं विकास खंड कमासिन ने उप जिलाधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी सी आराम व थाना प्रभारी द्वारा बनाए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी के द्वारा 2 गज की दूरी बनाए रखने व मास्क लगाए रखने आदि नियमों का हर हाल में पालन करने के लिए लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि 2 दिवसीय नामांकन के दौरान किया जा रहा है, जिसमें अंतिम दिवस के रूप में किया जाएगा और लोगों को कोविड के बारे में बताया जा रहा है। सभी लोगों को मास्क का प्रयोग और 2 गज की दूरी बनाए रखने, हर कीमत पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश दिया जा रहा है और समझाइश भी दी जा रही है। बांदा से ब्यूरोहेड नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर जी, नामांकन विषय भी आप क्या कह देना चाहिए? आज नामांकन का दूसरा दिन है। कमाशन ब्लॉक में 8 नए पंचायतों का चल रहा है और कल काफ़ी लोगों ने नामांकन किया था। आज भी लोग आ रहे हैं, प्रधान पद के लिए, राष्ट्रपति के लिए, बीडीसी के लिए नामांकन के लिए पर्चे भरे जा रहे हैं और इस तरह से नामांकन का चल रहा है।